कौन है माँ बगलामुखी? माँ आदिशक्ति का ये कौन सा स्वरूप है जो बहुत बड़ी महाविद्या भी कहलाता है? आखिर क्यों मानते हैं लोग माँ बगलामुखी को इतना? आइए जानते हैं माँ बगलामुखी की इस रहस्यमयी वीडियो से। आप सभी को जय माता की। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। तो भक्तजनों, इससे पहले कि आप भूल जाओ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए लेकर आते हैं हम ऐसी ऐसी धार्मिक वीडियो जो आपने आज तक ना ही देखी होगी और ना ही सुनी होगी। तो चलिए ज्यादा देर ना लगाते हुए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। लेकर चलते हैं हम माँ बगलामुखी के स्वरूप के बारे में। उसके बाद आप माँ के बारे में ऐसी ऐसी रहस्यमय बातें जानोगे जो आपको कहीं और नहीं मिली होगी। 10 महाविद्याओं में बगलामुखी माता 8वीं महाविद्या के रूप में जानी जाती है। माता रानी का यह रूप दुश्मनों का नाश करने वाला व वाक शक्ति प्रदान करने के रूप में जाना जाता है। माता रानी का रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों की रक्षा करने वाला दयालु भी है। अपने इस रूप में माता रानी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। इस सिंहासन पर राक्षस का मृत शरीर पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर माता रानी बैठी हुई है। माँ बगलामुखी के सर पर मुकुट है और केश खुले हुए हैं। उनके 3 नेत्र व 2 हाथ हैं। शरीर का रंग सुनहरा है, जबकि उन्होंने पीले रंग के वस्त्र व आभूषण धारण किए हुए हैं। उन्होंने अपने एक हाथ में शत्रु को दंड देने के लिए एक अस्त्र पकड़ा हुआ है, जबकि दूसरे हाथ से राक्षस की जीभ पकड़ी हुई है। वह राक्षस माता रानी के सामने उनके चरणों में बैठा हुआ है, जिसने अपने एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई है। माता रानी ने उसी राक्षस की जीभ भी पकड़ी हुई है। वह उसकी ओर देखते हुए उसे डराने का प्रयत्न कर रही है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने बगलामुखी महाविद्या की उपासना की थी। बगलामुखी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु और तीसरे उपासक परशुराम हुए। एक बार की बात है, जब गणेश जी, कार्तिकेय जी, मार्कंडेय जी और अन्य देवगण माता काली के मुखमंडल से के 10 महाविद्या के प्रादुर्भाव और पूरे ब्रह्मांड की प्रलय और सृष्टि के रहस्य को सुन रहे थे, तो माता काली स्वयं अपने मुख से 10 महाविद्याओं में से अपने 8वें महाविद्या माँ बगलामुखी की कथा सुनाते हुए कहती है कि हे देवगण, बात उस समय की है जब इस सृष्टि और ब्रह्मांड का निर्माण हो चुका था। काल चक्र अपनी गति से चल रहा था और मेरे इस काली स्वरूप के साथ साथ महाविद्याओं का भी प्रादुर्भाव हो चुका था। अब सृष्टि को नई विद्या की आवश्यकता थी और मेरे इस महाविद्या के प्रकटे का कारण बना असुर त्रिखरासुर। त्रिखरासुर बहुत ही चतुर और खतरनाक असुर था। एक बार की बात है, उसने प्रजापति ब्रह्मा जी का घोर तप किया और उसके घोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और उस असुर को वरदान मांगने को कहा। तो उस असुर ने ब्रह्मा जी से 2 वरदान देने के लिए आग्रह किया। ब्रह्मा जी ने उसे 2 वरदान देने का वचन दिया। तो मूर्ख त्रिखरासुर ने अपने इस घोर तप का अनुचित लाभ उठाने के लिए ब्रह्मा जी से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में उसने ब्रह्मांडीय भवंडर उत्पन्न करने की शक्ति मांगी और दूसरे वरदान में यह कि इस संसार में विद्यमान किसी भी प्रकार की विद्या उसका अंत ना कर सके, यहाँ तक कि त्रिदेवों की शक्ति भी उसका अंत ना कर सके। ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा कि अगर इस विद्या का उसने गलत उपयोग किया तो ये ही विद्या उसका सर्वनाश कर देगी, और हुआ भी ये ही। ऐसा वरदान पाने के बाद उसके अंदर अहंकार जाग उठा। उसने त्रिदेवों को अपना दास बनाने का निश्चय किया और इस उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी के द्वारा मिली ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रयोग करके एक महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न किया। यह तूफान धीरे धीरे ब्रह्मांड में स्थित पृथ्वी पिंडों और नवग्रहों को भी निगलते जा रहा था। चारों तरफ भयंकर तूफान ही तूफान उठ रहा था। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे यह भवंडर एक विशाल रूप में परिवर्तित होते जा रहा था, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया और अनेकों लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। इस संकट को देखकर सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु जी चिंतित हो उठे। इस समस्या का कोई हल ना हो पाया, वे भगवान शिव का स्मरण करने लगे।
तब भगवान शिव ने उनसे कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुरा सुंदरी प्रसन्न हुई कि महापिताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और इस तेज से माँ बगलामुखी उत्पन्न हुई, इसलिए माँ को महात्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इसके बाद देवी बगलामुखी उस असुर से युद्ध करने के लिए उस असुर के सामने प्रस्तुत हुई। इससे पहले कि वो असुर माँ पर वार करता, माता बगलामुखी ने त्रिखरासुर पर मोहन विद्या का प्रयोग किया, जिससे त्रिखरासुर मोहित हो गया। इसके बाद देवी ने स्तंभन विद्या का प्रयोग कर विशालकाय भवंडर को स्तंभित करके सभी ग्रहों और नक्षत्रों को उसके संकट से मुक्त करवाया। मोहन विद्या के प्रभाव में आकर त्रिखरासुर की बुद्धि भ्रमित हो गई। इसके बाद देवी ने उचाटन विद्या का प्रयोग किया, जिससे त्रिखरासुर एक पागल की भांति भटकने लगा। इसके बाद देवी ने त्रिखरासुर का वध करके इस संसार को संकट से मुक्त कराया। त्रिलोक स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी समय ब्रह्मास्त्र रूपिणी है, देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। तो भक्तजनों, स्तंभन, मोहन, उच्चाटन विद्या एक ऐसी विद्या है जिसका प्रयोग कर प्रबल से प्रबल शत्रु की बुद्धि को वश में किया जा सकता है। उसकी बुद्धि को स्तंभन कर उसका सर्वनाश भी किया जा सकता है। यह विद्या व्यक्ति के दिमागी स्तर पर प्रहार करती है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस विद्या का अनुचित प्रयोग करने पर, निर्दोष जीवों को सताने पर, प्रकृति के विरुद्ध इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति का अंत बहुत कष्टदायी होता है। जैसे कि असुर का विनाश मां ने खुद किया, वैसे ही दुष्ट साधकों के लिए एक चेतावनी है कि अगर इसका गलत प्रयोग किया गया तो स्वयं मां बगलामुखी उसका सर्वनाश करती है। जय मां बगलामुखी।